पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। शादी के ठीक 5 दिन बाद जब शारदा सिन्हा पहुंची अपने ससुराल के ठाकुर बाड़ी, ऐसा बांधा शाम कि लोग झूम उठे। नमस्कार, न्यूज फोरनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। किसी ने सही ही कहा है कि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, और ऐसा ही जीता जागता उदाहरण है बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका बीती रात ही निधन हो गया। निधन के बाद ही पूरे देश भर में गम का माहौल छाया हुआ है। इसी बीच आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ अनकही कहानी बताएंगे कि जब शारदा सिन्हा शादी के ठीक 5 दिन बाद अपने ससुराल के ठाकुर बाड़ी पहुंची तो शाम किस तरीके से रंगीन हो गया। लोक संगीत की प्रसिद्ध गायिका और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वो बीते 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। हिंदी, मैथिली और भोजपुरी में गाए गए उनके गीतों ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा का जीवन संघर्ष, समर्पण और संगीत के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए, लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि के चलते उनके पिता ने उन्हें भारतीय नृत्य कला केंद्र में प्रवेश दिलाया, जहां उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली। शादी के बाद हालांकि उनके सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। शारदा सिन्हा की सास ने गाना गाने पर पाबंदी लगा दी थी और गाने की जिद करने पर उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, लेकिन उनके ससुर और पति बृजकिशोर सिन्हा ने उनका पूरा समर्थन किया। ससुर की प्रेरणा से उन्हें ठाकुर बाड़ी में भजन गाने का मौका मिला, जिससे उनके संगीत का सफर फिर से शुरू हो गया। बता दें कि उनके ससुर से जुड़ा एक किस्सा है, जब उन्होंने सिर पर पल्लू लेकर तुलसीदास जी का भजन मोहे रघुवर की सुधी आई गाना गाया, तो गाने के बाद समारोह स्थल पर मौजूद सभी लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सास सिर्फ भजन कीर्तन तक सीमित गाने की अनुमति देना चाहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके ससुर ने गांव के मुखिया के कहने पर ठाकुर बाड़ी में भजन गाने की इजाजत दी। हालांकि उनकी सास इस बात से नाराज हो गई और 2 दिनों तक खाना नहीं खाया, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी कला के प्रति समर्पण को बनाए रखा। उन्होंने तुलसीदास का भजन गाया और इस मौके पर गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। धीरे धीरे गांव के लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा के बाद उनकी सास का भी मन बदल गया। तो देखिए, शारदा सिन्हा का जीवन उनके संघर्ष, उनके परिवार के समर्थन और उनके लोक संगीत के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उनका निधन भारतीय लोक संगीत के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनके गाए गीत उनकी विरासत को जीवित रखेंगे। तो देखिए, बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की अनसुनी कहानी, जब वो पहली बार अपने ससुराल के ठाकुर बाड़ी पहुंचे तो किस तरीके से उनकी सास ने उनके द्वारा गाए गीतों का विरोध किया। उनकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि शारदा सिन्हा उनकी बहू होने के बाद भी गाना गाए। हालांकि जब शारदा सिन्हा के गानों की तारीफ होने लगी तो उनकी सास का भी मन बदल गया। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का बीती रात निधन हो गया, और उनसे जुड़ी कुछ अनकही कहानियां आज हमने आपको बताई कि किस तरीके से जब शारदा सिन्हा अपनी शादी के ठीक 5 दिन बाद अपने ससुराल के ठाकुरबाड़ी पहुंचती है और अपने भजन से लोगों के दिलों को जीतती है, तो उनकी सास को ये बात पसंद नहीं आती है और वो 2 दिनों तक खाना ही नहीं खाती है। हालांकि शारदा सिन्हा के गीतों की प्रशंसा के बाद उनकी सास भी ये बात स्वीकार करती है कि उनकी बहू अच्छा गाना गाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फोरनेशन।